सभी दर्शकों को नमो नमः। मित्रों, इस वीडियो में हम चित्र देख करके वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। इस प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ होता है, उस चित्र से संबंधित एक मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए होते हैं। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें 4 से 5 अत्यंत सरल वाक्य बनाने होते हैं, और ये प्रश्न उस पेपर का लगभग 10 से 15% अंकों वाला होता है। यहाँ मैं आपको 2 तरह से इसका वाक्य बनाने का अभ्यास करवाऊंगा। एक उन छात्रों के लिए जो परीक्षा में जा रहे हैं लेकिन उन्हें इस प्रश्न से संबंधित कुछ भी नहीं आता, उन्हें क्या करना है, उन्हें केवल परीक्षा में जाने से पहले 2 मिनट निकाल करके ये अपने पास में याद रखना है, लिख लेना है, और लिख लिख करके 2 मिनट तक का इसका अभ्यास कर लेंगे तो ये कभी भूलेंगे नहीं। वो तो इसका लिखने के बाद में याद कर लें, और रास्ते में जा रहे हैं तो याद करते हुए इसको जा सकते हैं। और इसके आधार पर बनाए हुए वाक्य बहुत ही सरल होते हैं। और ध्यान क्या रखना है, वाक्य बनाते समय आपको एकवचन के साथ अस्ति का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ में संति का प्रयोग करके ये खाली स्थान उन्हें भरने हैं। बस इन 2 वाक्यों में उनका 5 सेंटेंस वो बना सकते हैं। और इस आधार पे बनाए हुए वाक्यों में वैसे हम तो पूरे में से पूरे अंक देते हैं, फिर भी उन्हें कोई दूसरा अगर परीक्षक मिलता है तो वो भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में लिबरल मार्किंग होने लगी है, इसलिए उन्हें पूरे में से पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में पहला जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो पढ़ करके नहीं जाते हैं, उनके लिए है, उन्हें जो ये प्रश्न नहीं आता है उनके लिए है। उन्हें क्या करना है कि पहले यह सेंटेंस याद करना है कि इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। तो ये जो चित्र है इससे संबंधित हमारे मन में एक विचार आता है कि ये चित्र किसका है। सबसे पहला विचार यही आता है हमारे मन में, और उसी का अनुवाद किया गया है, इदम चित्रम, यह चित्र खालिस्तान का अस्ति यानी है, यह चित्र खालिस्तान का है। अब यह चित्र किसका है, फिर हमारे मन में विचार आता है कि इस चित्र में क्या है, क्या क्या है इस चित्र में। बस इन 2 वाक्यों से हमारा ये 5 वाक्य हम बना सकते हैं। पहला हम ले लेते हैं इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है, तो यहां हम इसको लिख देते हैं इदम चित्रम अस्ति। तो ये किसका चित्र है, यहाँ देखो ये मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा में शब्द भी दिए हुए हैं। अगर इन शब्दों का आपको मेरे हिसाब से 4 या 2 या आधा जो शब्द हैं उनमें से सबका मीनिंग आपको नहीं आता होगा, और आता भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ आपको आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चित्र को देख करके आप उसमें पता करिए कि यह चित्र किसका है। तो ये या तो किसी पार्क का लग रहा है, या किसी कॉलोनी का है, मोहल्ले का है, यही हमारे मन में विचार आ रहा है। अब देखते हैं इन जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से क्या क्या हमारे दिमाग में आता है। देखो, भ्रमंती खेलंती, खेलंती का मतलब मेरे हिसाब से सब जानते हैं, खेलंती यानी खेलना, विश्राम भी जानते हैं, व्यायाम भी जानते हैं, वृक्ष भी जानते हैं, उद्यान, उद्यानम, छात्र, कुकुर है, वातावरणम, वही, द्विचक्रिका, मोटरयानम। तो देखो यहाँ ये चित्र है पार्क का है, यहाँ देखो उद्यानम दिया हुआ है, उद्यानम दिया हुआ है, तो ये
चित्र है एक पार्क का, तो यहाँ आप उद्यान का चित्र है। तो जब काके किचन, जब हम किसी शब्द के साथ में आ जाते हैं तो उसके अगर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का है तो उसके आगे हम से लगा देते हैं, जैसे उद्यान है तो यहाँ उद्यान से कर देते हैं, और स्त्रीलिंग है तो यहाँ लगा देते हैं। आकारांत की बात कर रहा हूँ केवल आपको, जैसे बालक शब्द की तरह से अगर कोई होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति में बालकस्य लगाते हैं, तो बालकस्य, चालकस्य, वृक्षस्य, फलस्य, फल शब्द नपुंसकलिंग में आ जाता है तो फलस्य बनता है। ये केवल प्रथमा और द्वितीया में ही अलग अलग होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये शे लगा देते हैं हम उद्यान शब्द में, तो यहाँ उद्यानस्य लिख करके हम वाक्य को पूरा कर देते हैं, तो यहाँ आपका उद्यानस्य लिख करके हम इसको छोटा कर देते हैं। एक हिंट, ये उद्यानस्य इस वाक्य में हम सेट कर देते हैं, तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और ये पहला वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद में है अत्र अस्ति और संति। अत्र यहां लिख देंगे, यहां हम अत्र लिख देंगे, और अत्र लेकर के यहाँ अत्र लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, दूसरी बात विचार की इसमें क्या क्या है वो हमें लिखना है केवल। अत्र क्या क्या है, एक देखो यहाँ शब्द आया, ये चित्र में है, पिक्चर में कुकुर है, महिला, छात्राहा, और द्विचक्री का मोटर यानम, इन शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। वृक्ष, तो ये जिन शब्दों का हम मतलब जानते हैं उनको ले लेते हैं और उनके आधार पर हम यहाँ लिखते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ वृक्ष है तो यहाँ हम वृक्ष लिख देते हैं, अत्र वृक्षाः। अब देखिए वृक्षाः बहुवचन है या एक वचन है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षाः, जैसे बालक शब्द में होता है बालक है, बालकौ बालकाः, तो आ के बाद में विसर्ग लगा हुआ है। ये बात हम छोटी सी बात हम याद कर ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बालकाः है तो वृक्षाः है, तो यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में हमें संति का प्रयोग करना है, ये एक चीज और याद रखनी है हमें। तो यहाँ अत्र वृक्षाः संति यहाँ आपको लिख देना है, तो यहाँ संति हम लिख देते हैं, तो ये वाक्य भी पूरा हो गया। इसी प्रकार से अत्र लिखिए, और जो आपको चित्र में नजर आ रहा है और उसको मंजूषा में से शब्द उठा लो और लिखते चलो। यहाँ दूसरा लिख लो आप, दूसरा शब्द ले लेते हैं, किससे बनेगा, यहाँ कुकुर है, कुकुर यानी कुत्ता, सब जानते हैं कुकुर है क्या होता है, तो यहाँ से कुत्ते को हम यहाँ लिख देते हैं कुकुर है, और कुकुर है एक वचन है, एक है तो यहाँ हम अस्थि लिख देते हैं, अस्थि को यहाँ ले लिया, ये अस्थि, अत्र कुकुर है अस्थि, यहाँ एक कुत्ता है। फिर वृक्ष हो गया, कुकुर हो गया, फिर देखिए क्या है, यहाँ छात्र भी है, छात्र तो बच्चे भी है, तो यहाँ छात्र बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो क्या प्रयुक्त करेंगे हम यहाँ संति प्रयुक्त कर देते हैं, तो अत्र ऐसा कैसा यहाँ लिख देते हैं। देखिए और यहां से हम संति ले लेते हैं, ये संति, अत्र छात्रा संति। फिर और हमें क्या नजर आ रहा है, मोटरयानम द्विचक्रिका, ये भी बच्चे मोटरयानम तो जानते ही होंगे, द्विचक्रिका अगर नहीं जानते तो मोटरयानम जानते हैं,
तो यहां से हम मोटरयानम शब्द ले लेते हैं, मोटरयानम को यहां लिख देते हैं, और वही अत्र और संति को यहां हम वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहां मोटरयानम एक वचन है कि बहुवचन है ये ध्यान रखना है केवल हमें, तो ये मोटरयानम एक वचन है तो यहां अस्ति आ जाएगा। ये इस तरह से हमने 5 वाक्य बना दिए। तो अब ये मंजूषा जो दी हुई है, इस मंजूषा में से हमने एक एक शब्द ले लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इस मंजूषा में से एक शब्द लें या बहुत सारे शब्द लें, तो हम एक शब्द से भी वाक्य बना सकते हैं और बहुत सारे शब्द लेकर के भी वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वाक्य बनाए हैं ये वाक्य पूरी तरह से सही हैं, शुद्ध हैं। तो आजकल लिबरल मार्किंग की वजह से हम बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर, इस तरह से अगर बच्चे वाक्य बना करके लिख देते हैं तो भी हम दे देते हैं। फिर भी अगर बच्चों को संतुष्टि नहीं है और कुछ बच्चे अलग से करना चाहते हैं, कुछ अलग उन्हें चाहिए, तो वो देखते हैं, हम दूसरे तरह से भी इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ मैंने 4 सेंटेंस, 4 तरीके दिए हैं, 4 तरीकों को अप्लाई करके हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों को ये लगता है कि अत्र देखो यहाँ पर फिर अत्र की बार बार आवृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ अत्र अत्र ठीक नहीं है। लेकिन इतना आपको सोचने की आवश्यकता इसमें मुझे नहीं लगती। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहां से हम ले लेते हैं पहला वाक्य, वैसा के वैसा लेते हैं कि ये चित्र किसका है। सबके मन में यही आता है कि ये चित्र किसका है, तो यहां हम इसको ले लेते हैं। यह है चित्र, इदम चित्रम अस्ति, तो ये उद्यान का चित्र है, तो यहाँ उद्यान लिख करके हम उद्यान ऐसा कैसा नहीं लिखेंगे, उद्यान का है, तो यहाँ हम से और लिखेंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ उद्यानस्य लिख देते हैं, उद्यानस्य इस तरह से यहाँ हम लिख देते हैं, उद्यानस्य चित्रम अस्ति, ये हमने यहाँ उद्यानस्य लिख दिया है। तो ये पहला वाक्य हमारा पूरा हो गया। दूसरा है अत्र अस्ति और संति, तो यहाँ अत्र ले लेते हैं, अत्र यह अत्र संति या अस्ति ले लेते हैं। तो यहां से ये ले लिया हमने, अत्र अस्ति या संति। तो क्या है, तो यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ एक मोटरयान है, तो मोटरयान, तो यहाँ आप मोटरयानम यहां से ले लीजिए, मोटरयानम खाली स्थान में मोटरयानम लिख दो, और ये मोटरयानम एक वचन है तो आप अस्ति को रहने दो और संति को हटा दो, इस तरह से। तो अत्र मोटरयानम अस्ति। फिर अस्मिन चित्रे अस्ति और संति, अब ले लीजिए, मान लीजिए कि रिपीटेशन हो रहा था, तो यहां पर हमने अस्मिन चित्रे, वही बात वही है, इसका अर्थ भी वही है, लेकिन अत्र का रिपीटेशन हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर अस्मिन चित्रे अस्ति। तो यहाँ क्या है, एक वचन दिया हुआ है तो मोटरयान हो गया, कुक्कुर है अस्ति, तो यहाँ हम कुक्कुर है को लिख देते हैं। तो ये कुक्कुर है अस्ति, यहाँ लिख दिया। फिर आगे दिया हुआ है कि
हमें इस वाक्य में कुछ अलग धातु रूप वगैरह का भी प्रयोग करना है, तो यहाँ बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ धातु रूप खेलंती आया है, तो यहाँ हम खेलंती को ले लेते हैं। ये खेलंती खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं, खेलंती का मतलब हम जानते हैं खेल रहे हैं, बहुवचन में है, तो हम देखते हैं, देखिए बहुवचन में धातु रूप अस धातु, बहुवचन में स्थिति संति, क्रीड धातु खेलना, तो वैसे ही है क्रीडंती खेलंती एक ही बात है। तो आइए फिर से देखते हैं, तो यहाँ खेलंती कौन खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, छात्राः खेलंती, तो यहाँ आप लिख दीजिए छात्र, यहाँ लिख दो, तो कुछ नया यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, छात्राः खेलंती, बस इतना सा कर दो आप, बस ये वाक्य आपका बन जाता है, यहीं पे पूरा हो जाता है वाक्य। तो इसको यहाँ आप लिख दीजिए, ये पूरा वाक्य आपका हो जाता है, फुल स्टॉप यहाँ पे सब में आप लगाते चलो। देखिए ये लगा दिया हमने पूर्ण विराम सब में, ये वाक्य बन गया छात्राः खेलंती। फिर भ्रमंती का अर्थ अगर हमें आता है, तो हम यहाँ भ्रमंती यानी घूमना होता है, तो यहाँ लोग घूम रहे हैं या महिला घूम रही है, तो यहाँ भ्रमंती बहुवचन में है, तो महिलाः भ्रमंती, ये लिख करके भी हम यहाँ से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं, भ्रमंती कौन घूम रहा है, तो यहाँ हम महिलाः घूम रही है, तो महिला शब्द यहाँ हम अपनी ओर से भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हमें टाइप करना है महिलाः, तो बहुवचन में होगा महिलाः शब्द यहाँ हमें टाइप करना है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे महिलाः। तो इस तरह से ये वाक्य हम बना सकते हैं, और भी वाक्य हम इससे बना सकते हैं अपनी तरफ से, कुछ शब्द हम अपनी तरफ से भी जोड़ करके बना सकते हैं, कुछ इस मंजूषा में से लेकर के भी बना सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम मंजूषा से ज्यादा शब्द लें, और कोई वाक्य हम इसमें से पूरा का पूरा वाक्य भी हम बना सकते हैं, जैसे छात्राः खेलंती, तो पूरे दोनों शब्द हमने यहाँ ले लिए, तो छात्राः व्यायामम कुर्वन्ती, व्यायाम कर रहे हैं, विश्राम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक देखो एक व्यक्ति बैठा हुआ विश्राम कर रहा है, तो एक है नर है, एक है मन पुरुष है, विश्रामम करोति, इस तरह से भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन धातु रूपों को भी देख लेना चाहिए, जो कि मैंने छांट करके लिखे हैं, जो कि इन चित्रों में लगभग ये प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे अस यानी होना, अस्ति एक वचन में है, अस्त है द्विवचन में, संति बहुवचन में, और ये प्रथम पुरुष में ही मैंने लिखा है, क्योंकि ज्यादातर जो चित्र होते हैं वो प्रथम पुरुष में ही हमें बनाने होते हैं वाक्य, तो इस तरह से मैंने जो वाक्य में प्रयुक्त होती हैं लगभग मुख्यतः धातु रूप, उनको मैंने प्रयुक्त किया है। तो देखिए अर्च धातु यानी पूजना, अर्चति अर्चतः अर्चंती, ज्यादातर में एक वचन और बहुवचन धातु रूपों का ही प्रयोग होता है, द्विवचन का बहुत कम देखने को मिलता है। फिर क्रि से करोति कुरुतः कुर्वन्ति, गच्छ यानी जाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीड यानी खेलना, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रंद यानी रोना, क्रंदति क्रंदतः क्रदन्ति, क्षल क्षल यानी धोना, क्षालयति क्षालयतः क्षालयन्ति, खन यानी खोदना, खनति खनतः खनन्ति, खाद यानी खाना, खादति खादतः खादन्ति, गई यानी गाना, गायति गायतः गायन्ति, चल यानी चलना, चलति चलतः चलन्ति, ज्वल यानी जलना, ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति, डी यानी उड़ना, डीयते डीयते डीयन्ते, दा यानी देना, ददाति दत्तः ददति, तृ यानी तैरना, तरति तरतः तरन्ति, दृश्य यानी देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, नी यानी ले जाना, नयति नयतः नयन्ति,
नम यानी प्रणाम करना, नमति नमत नमंति, नृत्य यानी नाचना, नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, पति यानी गिरना, पतति पतत पतंती, पच यानी पकाना, पचती पचत पचंती, पा यानी पीना, पिबती पिबत पिबंती, रक्ष यानी रक्षा करना, रक्षति रक्षत रक्षंति, वस यानी रहना, वसति वसत वसंती, वद यानी बोलना, वदति वदत वदंती। इस तरह से हम इन धातु रूपों को भी देख लें तो हम इन वाक्यों को बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। और कुछ शब्द रूप हैं उनको हम अगर देख ले, प्रथमा का और षष्ठी विभक्ति का, जैसा कि हमने यहाँ प्रयुक्त किया था कि यह इदम चित्रम अस्ति, तो इदम चित्रम उद्यानस्य, यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति लगाई है। तो एक प्रथमा विभक्ति का रूप देख लो, प्रथमा में कर्ता होता है तो बालक है, बालको बालका, और सेवाला षष्ठी विभक्ति का, बालकस्य बालकयो बालकानाम। तो ये हमें दो विभक्तियों के जो वचन है उनको हमें याद कर लेना चाहिए। तो बालक शब्द से हम पुल्लिंग का जो अकार, जितने भी शब्द हैं उनको बना सकते हैं, जैसे बालक है तो छात्र भी बना सकते हैं, छात्र है छात्रौ छात्रा, गज है तो गज है गजौ गजाहा, वृक्ष है तो वृक्ष है वृक्षौ वृक्षाहा। इस तरह से हम इनके शब्द रूप बना सकते हैं। इसी प्रकार से बालिका शब्द रूप के देख लीजिए, बालिका बालिके बालिकाहा, और इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में बालिकायाहा बालिकयोः बालिकानाम। तो ये बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग में है। तो लता लते लताः, सीता सीते सीताः, महिला महिले महिलाः, हमने महिलाः शब्द का यूज अपनी तरफ से जो वाक्य बनाया था उसमें किया था। देखिए यहाँ महिलाः, तो ये बहुवचन में हमने प्रयुक्त किया। कैसे बनाया ये बालिका शब्द को देख करके ही बनाया है। तो बालिकाः होता है तो वैसे ही महिलाः बहुवचन में हमने इसको बनाया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको ये वाक्य बनाना आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि रचयत। तो इसमें भी आपको वही तरीका अप्लाई करना है। इदम चित्रम, यह चित्र किस चीज का है, चित्र को पहले देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कहाँ का चित्र है। तो मुझे लगता है कि ये एक विद्यालय का चित्र है या प्रार्थना सभा का है। तो यहाँ आपको इदम चित्रम लिखना है पहले खालिस्तान में, और विद्यालय का आप समझ रहे हो तो विद्यालयस्य करना है, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति लगा करके आपको पहले नियम के अनुसार कर लेना है। फिर इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है तो सब आप यहाँ लिख देंगे। पक्षी है, खग्गा शब्द आया है, विद्यालय भवनम, यहाँ भवन है, कुर्वंती यानी कर रहे हैं, पाठयति यानी पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, पठंती यानी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। तो अगर इस चित्र को देख करके आपने वाक्य बना लिए, अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने वाक्य बना करके दिखा सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपके प्रश्नों का सही तरीके से मूल्यांकन करूँगा, देखूँगा कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। गलत किए हैं तो वहाँ उस गलत शब्द की जगह कौन सा शब्द आना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए। धन्यवाद।